डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के पोएम गोल्डन चैन के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राइट द नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड वर्टिकली एंड प्रीपेयर एन एक्रोस्टिक यूजिंग एवरी लेटर इन द नेम। रिफर टू वर्ड प्ले ऑन पेज 73। के आपको अपने सच्चे दोस्त का नाम वर्टिकली लिखना है, यानी ऊपर से नीचे के जानी भागते हुए लिखना है। एंड प्रिपेयर एन एक्रोस्टिक यूजिंग एवरी लेटर इन द नेम। और आपको एक एक्रोस्टिक पोएम बनाना है उसके नाम के हर लेटर को लेकर। रिफर टू वर्ड प्ले ऑन पेज 73। और अगर आपको एक्रोस्टिक क्या है ये मालूम नहीं है तो आप वर्ड प्ले को देख सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 पर मौजूद है। मैंने इससे पहले एक वीडियो में एक्रोस्टिक क्या होती है इसके अच्छे से तशरीह की है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हमको फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिया गया है, जितने रेड कलर में जितने लेटर्स आए हैं तो उनको हम पढ़ें तो समझ में आता है कि ये रितेश लिखा हुआ है, यानी रितेश नाम का एक्रोस्टिक यहाँ पे बनाया हुआ है। आर से है रिलायबल, आई से है इंस्पायरिंग, टी से है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मतलब होता है जो भरोसे के लायक हो, ई से है इनकरेजिंग मतलब जो हमको किसी चीज़ पर उभारता हो, हौसला दिलाने वाला हो, एच से है सपोर्टिंग और एच से है हार्ड वर्किंग। तो आपको भी इसी तरह अपने किसी दोस्त का नाम लिखना है वर्टिकली, यानी ऊपर से नीचे आते हुए, और उसके हर लेटर से एक वर्ड बनाना है जिसमें उसकी कोई ना कोई यानी आपके दोस्त की कोई खसूसियत या खूबी मौजूद है। यहाँ पे मैंने अपने नाम का एक्रोस्टिक बनाया है, अगर आप चाहे तो अपने नाम का बना सकते हैं या अपने दोस्त के नाम का आपको बनाना है। तो मेरा नाम ज़ुबैर है, इसलिए मैंने आप देख रहे हैं कि जो पहले लेटर्स है पूरे लाइन के तो उनको आप पढ़े तो वो मेरा नाम बन जाता है। जेड से जो वर्ड लिखा है मैंने वो है जीलफुल या जीलस। जील कहते हैं जज्बा या कोई काम कर दिखाने के जो हौसला होता है उसको जील कहते हैं, लगन को भी कह सकते हैं। और जीलफुल और जीलस कहते हैं दोनों वर्ड उसी लफ्ज से यानी जील से बना है जिसके माने होते हैं कि जिसके अंदर हौसला हो या लगन हो। यू से जो वर्ड बनाया है वो है यूजफुल मतलब फ़ायदेमंद। बी से है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है होशियार। ए से है अमेजिंग, आई से है इंटरेस्टिंग और आर से है रिलायबल। तो आप भी इस तरह एक्रोस्टिक को बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। के आपको करेक्ट का निशान लगाना है उन स्टेटमेंट के आगे जो नज्म के लिहाज से करेक्ट है या सही है। तो ए है टाइम कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, कि वक्त दोस्ती की खूबसूरती को बर्बाद कर सकता है। तो नज्म के मुताबिक ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, इसलिए हमने उसके आगे क्रॉस का निशान लगाया, मतलब ये करेक्ट नहीं है। फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, बी स्टेटमेंट है कि दोस्ती ना तो खरीदी जा सकती है ना ही बेची जा सकती है। तो ये नज्म के लिहाज से ट्रू स्टेटमेंट है, सही है, इसलिए हमने उसके आगे करेक्ट का निशान लगाया है। सी है फ्रेंडशिप बाइंड्स द हैंड्स टुगेदर, के दोस्ती हाथों को एक साथ जोड़ देती है। तो ये स्टेटमेंट नज्म के लिहाज से गलत है क्योंकि दोस्ती हाथों को नहीं बल्कि दिलों को जोड़ती है, तो इसलिए हमने इसके आगे क्रॉस का निशान लगाया, मतलब ये स्टेटमेंट नज्म के लिहाज से रॉन्ग है। डी है फ्रेंडशिप इज लाइक अ रियल रेयर एंड प्रीशियस जूल, के दोस्ती किसी हकीकी कीमती और नायाब पत्थर की तरह है। ये स्टेटमेंट दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसके आगे दोनों लगाया है, मगर मुझको ये ज़्यादा सही लग रहा है कि ये सही है। यानी दोस्ती लाइक किसी सही में हकीकी नायाब और कीमती पत्थर की तरह है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे टिक का निशान लगा है, करेक्ट का निशान लगा है कि ये हाँ ये स्टेटमेंट दुरुस्त है।
लेकिन गलत होने की एक और वजह भी हो सकती है कि दोस्ती को सिर्फ बताया जा रहा है कि ये किसी नायाब कीमती पत्थर की तरह है, ना कि ये सही में किसी नायाब पत्थर, रियल जो वर्ड है उसकी वजह से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये रॉन्ग भी हो सकता है। रियल जो वर्ड यूज़ कर लिया गया स्टेटमेंट में, इस वजह से ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। वैसे आपको अपने लिहाज से जो भी लगे तो आप उसको कर सकते हैं। ई है, फ्रेंडशिप हैज़ मोर वैल्यू देन गोल्ड, के दोस्ती की सोने से कई ज़्यादा कीमत है। तो ये बात नज़्म के लिहाज से बहुत दुरुस्त है, इसलिए हमने इसके आगे टिक का निशान या करेक्ट का निशान लगाया है। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द वेब, कि आपको नज़्म को पढ़ना है और जो वेब दिया गया है तो उसको आपको कंप्लीट करना है। अब वेब के बीच में आप सेंटर में देखें कि एक बात लिखी गई है, फ्रेंडशिप इज़ कंपेयर टू, के दोस्ती का कंपेयर किया गया है, मुआवजना किया गया है। तो किन किन चीज़ों से? नंबर एक है गोल्डन चैन, गोल्डन चैन से मुआवजना किया गया, कंपेरिजन किया गया। सेकंड है प्रीशस जूल, एक कीमती पत्थर से उसका कंपेरिजन किया गया। उसके बाद में प्राइसलेस गिफ्ट, अनमोल तोहफे से दोस्ती का कंपेरिजन किया गया है, गोल्ड से कंपेरिजन किया गया है, स्ट्रांग एंड ब्लेस्ड टाई से कंपेरिजन किया गया है, और अ ब्यूटीफुल थिंग और ह्यूमन से कंपैरिजन किया गया है, यानी किसी खूबसूरत चीज़ या खूबसूरत इंसान से दोस्ती का कंपैरिजन किया गया है। तो ये तमाम चीज़ों से नज़्म में दोस्ती का कंपैरिजन किया गया है, इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे मैंने वेब में फिल कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, से वाई फ्रेंडशिप इज़ कंपेयर टू द फॉलोइंग्स, कि आपको बताना है कि क्यों नज़्म में फ्रेंडशिप का नीचे दी गई चीज़ों से कंपैरिजन किया गया है, कंपेयर किया गया है, तो आपको वजह बताना है। तो ए है अ गोल्डन चैन, किसी सुनहरी या सोने की बनी जंजीर से कंपैरिजन किया गया। तो आंसर है इसका, फ्रेंडशिप इज़ कंपेयर्ड विद गोल्डन चैन बिकॉज अ चैन इज़ मेड विद मैनी रिंग्स, के दोस्ती का किसी गोल्डन चैन से, किसी सुनहरी जंजीर से कंपेरिजन किया गया है। क्यों? क्योंकि एक चैन जो होती है इज़ मेड विद मैनी रिंग्स, वो बहुत सारी रिंग से, कड़ी से बनाई जाती है। द रिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और जो बहुत सारी रिंग्स होती है, कड़ियाँ होती है, तो वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होती है एंड फॉर्म अ चैन, और एक जंजीर को बनाती है। इन अ फ्रेंडशिप ईच फ्रेंड इज़ लाइक अ रिंग, और किसी दोस्ती में हर दोस्त किसी रिंग की तरह होता है, किसी कड़ी की तरह होता है। दे ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर, और वो तमाम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, एंड दे आर एज प्रीशियस एज गोल्ड, और वो उसी तरह कीमती होते हैं जैसे कि कोई, जैसा कि सोना होता है। तो इस तरह फ्रेंडशिप का गोल्डन चैन से कंपेरिजन किया गया है। बी है अ प्रीशियस जूल, एक कीमती पत्थर से दोस्ती का कंपैरिजन किया गया है। तो क्यों किया गया? द प्राइस ऑफ अ प्रीशियस जूल गेट्स हायर ईच ईयर, के जो कीमती पत्थर होता है तो उसकी हर साल कीमत बढ़ते चली जाती है। द सेम वे अ फ्रेंडशिप गेट्स मोर प्रीशियस एज द ईयर्स पास, के उसी तरह दोस्ती की कीमत भी या दोस्ती भी कीमती होती चली जाती है जैसे जैसे साल गुजरते हैं। दैट इज़ द रीज़न फ्रेंडशिप इज़ कंपेयर्ड विद द प्रीशियस जूल, और इसी वजह से दोस्ती का एक कीमती पत्थर से कंपेरिजन किया गया है। सी है अ प्राइसलेस गिफ्ट, एक अनमोल तोहफा। तो अनमोल तोहफे से क्यों कंपेरिजन किया गया है फ्रेंडशिप का? तो आंसर है फ्रेंडशिप इज़ कंपेयर्ड विद अ प्राइसलेस गिफ्ट, के फ्रेंडशिप का एक प्राइसलेस गिफ्ट से कंपेरिजन किया गया है। बिकॉज इट कैन बी बॉट और सोल्ड, क्योंकि ना वो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ना दोस्ती ना प्राइसलेस गिफ्ट खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। एंड फ्रेंडशिप आल्सो कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, और दोस्ती को भी ना ही खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। एंड इट इज़ अर्न विथ ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, और इसे कमाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है भरोसे और कमिटमेंट के ज़रिए। तो इसीलिए एक प्राइसलेस गिफ्ट का फ्रेंडशिप से कंपैरिजन किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिफर टू द पोएम एंड राइट डाउन फाइव रीजन व्हाई फ्रेंडशिप इज द बेस्ट गिफ्ट एनीवन कैन गिव यू, कि
आपको नज्म को पढ़ना है और पांच ऐसे रीज़न लिखना है, पांच ऐसी वजूहात लिखना है जो आपको बताया कि क्यों दोस्ती वो बेहतरीन तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं या कोई आपको दे सकता है। तो फर्स्ट जो है सेंटेंस है वो आपके लिए लिखा गया है, इट ग्रोज मोर प्रीशियस एज ईच ईयर पासेस, कि वो कीमती होती चली जाती है जैसे जैसे साल गुजरते हैं। अब इसके बाद के जो फाइव सेंटेंसेस है वो हमको खुद से लिखना है। तो सेकंड सेंटेंस है, इट्स रिच विद हैप्पी मेमोरीज एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस, फ्रेंडशिप खुशियों भरी यादों से भरी हुई है एंड ऐसी यादों से भरी हुई है जिनको जानने का या जिनको याद रखने का हमें शौक होता है। थर्ड है, टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, के वक्त इसकी खूबसूरती को बर्बाद नहीं कर सकता है। फोर्थ है, फ्रेंडशिप इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, के दोस्ती एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसे ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। फिफ्थ है, ईयर्स कैन नॉट इरेज द प्लेजर गिवन बाय फ्रेंडशिप, के साल उन खुशियों को नहीं मिटा सकते हैं जो दोस्ती के जरिए हमको दिए जाते हैं अतः किए जाते हैं। सिक्स्थ है, फ्रेंडशिप इज़ अ स्ट्रांग एंड ब्लेसिड टाई दैट बाइंड्स द किंड्रेड हर्ट्स टुगेदर, के दोस्ती एक ऐसा मजबूत और मुबारक बंधन है जो दिलों को या एक जैसे दिलों को आपस में जोड़ देता है। सिक्स क्वेश्चन है, राइट द वर्ड्स दैट गो विद द फॉलोइंग्स, कि आपको ऐसे वर्ड्स लिखना है जो नीचे आए हुए अल्फाजों के साथ में जुड़ते हैं या नीचे दिए हुए अल्फाजों की खसूसियत या खूबियाँ बयान करते हैं। फर्स्ट है जूल, तो जूल की जो खसूसियत आई है वो है प्रीशियस। सेकंड है हर्ट्स, तो हर्ट्स की जो खसूसियत आई है वो है किंड्रेड। मेमोरीज की जो खसूसियत आई है वो है हैप्पी, और गिफ्ट की जो खसूसियत आई है वो है प्राइसलेस। टाई की जो खसूसियत आई है वो है स्ट्रांग एंड ब्लेस्ड। फ्रेंड की जो खसूसियत आई है वो है अंडरस्टैंडिंग। सेवन क्वेश्चन है, मैच द लाइन विद द फिगर ऑफ स्पीच दे कंटेन, कि आपको नीचे आई हुई लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है तो उससे आपको उसका मैच करना है यानी जोड़ी लगाना है। यू मे ऑल्सो रिफर टू वर्ड प्ले ऑन पेज नंबर 74 फॉर हेल्प, अगर आप चाहे तो 74 नंबर पेज पर जो वर्ड प्ले है तो उसकी आप मदद ले सकते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है, फ्रेंडशिप इज़ अ गोल्डन चैन, कि फ्रेंडशिप एक गोल्डन चैन है, तो इसमें मेटाफर का यूज़ हुआ है इसलिए हम उसको बी मेटाफर से मैच करेंगे। सेकंड है, दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, ये ना खरीदे जा सकती है ना बेचे जा सकती है, तो इसमें दो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ आइडिया आए हैं। तो अगर किसी लाइन में एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ अपोजिट आइडिया आए तो फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस होता है, तो इसलिए हम डी का सेकंड के साथ में मैच करेंगे। थर्ड है, एंड लाइक अ रेयर एंड प्रीशियस जूल, किसी नायाब और कीमती पत्थर की तरह, तो लाइक वर्ड के जरिए दोस्ती या फ्रेंडशिप का कंपैरिजन किया जा रहा है एक नायाब और कीमती पत्थर से, तो लाइक वर्ड की वजह से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, तो हम ए से थर्ड का मैच करेंगे। फोर्थ है, फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लीव्स, जब तक के मेमोरी जिंदा होती है, तो यहाँ पे सी मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको सी से मैच करेंगे। और फिफ्थ है, फॉर फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट, क्योंकि दोस्ती एक अनमोल तोहफा है, तो यहाँ पे एफ जो साउंड है तो वो रिपीटेडली आई है तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी एक ही साउंड को रिपीटेडली किसी लाइन में यूज़ किया जाए, तो हम कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे फ साउंड का या एफ साउंड का रिपीटेडली इस्तेमाल हुआ है। एट्थ क्वेश्चन है, थिंक ऑन योर ओन एंड से वाई ट्रू फ्रेंडशिप कैन बी कंपेयर टू द फॉलोइंग्स, कि आपको खुद से सोचना है और लिखना है कि क्यों दोस्ती को नीचे दिए हुए चीज़ों से कंपेयर किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है,
एन एवर ग्रीन फॉरेस्ट, एक हमेशा हरा भरा रहने वाला जंगल। तो आंसर है इसका एन एवर ग्रीन फॉरेस्ट ऑलवेज गिव्स फ्रूट्स शेड्स एंड शेल्टर, के एक सदाबहार जो जंगल होता है तो हमेशा फल साया और पना देता है, एंड बेनिफिट्स द अदर्स, और दूसरों को हमेशा फायदा पहुंचाता है। एंड इट ऑलवेज रिमेन्स ग्रीन एंड नेवर डाइज, और ये हमेशा हरा रहता है और कभी नहीं मरता। द सेम वे अ ट्रू फ्रेंडशिप बेनिफिट्स द फ्रेंड्स, और इसी तरह जो फ्रेंडशिप होती है तो वो भी दूसरों को फायदा पहुंचाती है। एंड इट नेवर ग्रोज ओल्ड एंड डाइज, और वो कभी भी पुरानी नहीं होती और कभी भी नहीं खत्म होती। सेकंड है एन एवर फ्लोइंग रिवर, के एक हमेशा बहते रहने वाली नदी। तो इससे हम दोस्ती का, फ्रेंडशिप का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? तो आंसर है इसका एन एवर फ्लोइंग रिवर नेवर स्टॉप्स, के एक हमेशा बहते रहने वाली नदी कभी भी नहीं रुकती है। एंड ऑलवेज फ्लोज, और हमेशा बहती रहती है। एंड दोज हु लिव नियर इट ऑलवेज ऑलवेज गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट, और जो उसके करीब रहते हैं तो वो उससे हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। एंड द ट्रू फ्रेंडशिप इज जस्ट लाइक एन एवर फ्लोइंग रिवर, और दोस्ती भी उसी तरह एक हमेशा बहती रहने वाली नदी की तरह होती है। इट नेवर स्टॉप्स, वो कभी भी नहीं रुकती। एंड ऑलवेज बेनिफिट्स द फ्रेंड्स, और हमेशा दोस्तों को फायदा पहुंचाती है। थर्ड पॉइंट है अ रेनबो आफ्टर हैवी रेन, के एक धनुष या धनक तेज बारिश के बाद में। तो इससे हम कैसे दोस्ती का कंपैरिजन कर सकते हैं? तो आंसर है इसका अ रेनबो आफ्टर हैवी रेन्स इज ऑलवेज ब्यूटिफुल, के तेज बारिश के बाद में जो धनुष या धनक निकलती है तो वो खूबसूरत होती है। एंड गिव्स प्लेजर टू दोज हु वॉच इट, और वो उन लोगों को खुशी देती है जो उसको देखते हैं। एंड इट हैज़ मैनी कलर्स, और उसको बहुत सारे कलर होते हैं। द सेम वे अ ट्रू फ्रेंडशिप इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, और जो इसी तरह जो सच्ची दोस्ती होती है तो वो भी बहुत खूबसूरत होती है। एंड इट हैज़ मैनी कलर्स, और उसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। एंड इट गिव्स रियल प्लेजर टू ट्रू फ्रेंड्स, और वो सच्चे दोस्तों को हकीकी खुशी देती है। नाइन्थ क्वेश्चन है थिंक एंड डेवलप अ स्टोरी दैट लीड्स टू द कंक्लूजन अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि आपको सोचना है और एक ऐसी कहानी बनाना है जो इस नतीजे पर पहुंचाए कि ज़रूरत में काम आने वाला ही दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। तो आंसर इसका, इसमें हमने एक कहानी लिखी है छोटी सी। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड एन एंट एंड अ डव इन अ फॉरेस्ट, के बहुत पहली की बात है, एक जंगल में एक चींटी और एक डव या एक फाख्ता या कबूतरी रहा करते थे। दे वर ट्रू फ्रेंड्स, वो सच्चे दोस्त थे। वन डे अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, एक दिन जंगल में एक शिकारी आया शिकार के लिए। वेन ही सॉ द डव, और उसने जब वो उस कबूतर को देखा, ही एम्ड एट इट विद हिज गन, तो उसने उसके ऊपर अपने बंदूक के जरिए निशाना लगा दिया। वेन ही वॉज अबाउट टू शूट इट द एंट सॉ इट एंड बिट ऑन हिज फीट, जैसे ही उसको मारने वाला था तो चींटी ने उसको देख लिया और उसके पैर पर काट लिया। द हंटर शुक हिज फुट, तो हंटर ने या शिकारी ने अपने पैर को झटका, एंड मिस्ड हिज एम, और अपने निशाने उसने चुका दिया। दस द एंट सेव्ड इट्स फ्रेंड्स लाइफ, इस तरह चींटी ने अपने दोस्त की जिंदगी को बचा लिया। वन अनदर डे, और दूसरे दिन देयर वॉज अ फ्लड इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक सैलाब आ गया। द एंट फेल इन टू द वाटर, और जो चींटी थी वो पानी के अंदर गिर गई। एंड वॉज अबाउट टू ड्रोन, और वो डूबने ही वाली थी। बट द डव सॉ इट, लेकिन उस कबूतर ने उसको देख लिया। एंड थ्रीव अ लीफ इन द वाटर, और पानी में उसने एक पत्ते को फेंक दिया। एंड द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, और जो चींटी थी वो पत्ते पर चढ़ गई। एंड सेव्ड इट्स लाइफ, और उसने अपनी जान बचा ली। दस दे बोथ सेव्ड ईच अदर, इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। एंड प्रूव्ड दैट,
और इस बात को साबित किया कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, के वह वक्त और ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा और हकीकी दोस्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने हमारे टेक्स्ट बुक की नज़्म या पोएम गोल्डन चैन के इंग्लिश वर्कशॉप को देखा, समझा और सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।